99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। गुड मॉर्निंग, जीएस वाइस रूपसत चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7.3 का आगे का टॉपिक है वित्तीय सुधार। अभी तक 7.3 के अंतर्गत 4 टॉपिक कर चुके हैं, आज ये अपना 5वां भाग है जो आज अपन को पढ़ना है। इसके अंतर्गत 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पार्ट आएंगे, जैसे फेरा क्या है, फेमा क्या है, मनी प्रोटेक्शन लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, उस पर नरसिंहन समिति की सिफारिशें पूछ सकता है, दामोरन समिति की सिफारिशें पूछी जा सकती है, राजकोषीय संबंधित सिफारिशें पूछी जाती है। एंड टॉपिक के अंतर्गत वित्तीय सुधार क्या क्या हुए वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अपन। जिस भांति आर्थिक सुधारों के तहत अनेक सुधार किए गए, उसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। वित्तीय क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। इस क्षेत्र में समय समय पर सरकार ने कई संशोधन किए जिसे हम वित्तीय सुधार के नाम से जानते हैं। मुद्रा विनिमय, मुद्रा रिजर्व कानून, मुद्रा प्रबंधन कानून, मुद्रा निरोधक कानून, बैंकिंग क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र आदि। पहला कौन सा कदम उठाया वो है अपना फेमा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1947 में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून को पारित किया, जिसके तहत इसका मेन टारगेट था भारत में विदेशी कंपनियां को विनियमित करना, यानी कि उस पर कंट्रोल करने का, पूरा नियंत्रण करने का काम किया गया। इस एक्ट में 1973 के तहत बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें था भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना, विदेशी निवेशकों को भारत के आंतरिक क्षेत्र में निवेश के लिए मार्गदर्शक नियम को बनाना। विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के बाद कड़ी आलोचना होने लगी। इस कानून में काफी कठोर नियम बनाए गए थे, इसे कई कठोर इसके वो होनी चाहिए थी। 1998 में संसद में फेरा के स्थान पर फेमा लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा संबंधी कानून को सरल और संकेतित बनना था, ताकि विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके, ताकि भारत में मुद्रा का निर्वहन रूप से विकास किया जा सके। फिर नेक्स्ट एक्ट था मुद्रा प्रचालन निरोधक कानून 2002, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मुद्रा प्रचालन वह प्रक्रिया है जिसके तहत धन संपदा को वास्तविक उद्गम से छिपाने की कोशिश की जाती है। किसी देश में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो अपनी काली आय को विदेशी बैंकों में रखते हैं और इसे हवाला से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। काली आय को अपने रिश्तेदार दोस्त के रूप में कर्ज के रूप में दिखाया जाता है, उस नगद राशि को चेक देकर लिए जाते हैं, जिन्हें कर्ज के रूप में दिखाकर खातों के रूप में जमा कर लिया जाता है। मुद्रा प्रचालन निरोधक कानून 1998 में पेश किया गया, जिसे 2002 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इस कानून का अवैध रूप से प्राप्त धन को चालाकी से अथवा बिना यह बताए यह धन कहां से आया विदेशी बैंकों में भेजकर वैध बनाने से रोकना था। अब देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में क्या सुधार हुए। कुछ चीज अगर ये 15 नंबर में क्वेश्चन आता है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, तो अपन को नरसिंहम और दामोदर समिति को बताना है। अगर सिर्फ इतना है वित्तीय सुधार क्या आती है, तो ये पॉइंट्स को अपन डिस्क्राइब करके छोड़ देंगे। जैसे आरबीआई की भूमिका में परिवर्तन नियामक के स्थान पर सहायक के स्थान में कार्य करना, बाजार ब्याज दर संरचना
निवेश के परिमाण तथा प्रतिमान का निर्णय आरबीआई द्वारा किया जाएगा। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिंह राव कमेटी का गठन हुआ। बेजल मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्त अनुपात का निर्धारण करना। चार स्तरीय बैंकिंग संरचना अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय अनुशासन को तैयार करना। बैंकों के लिए आधुनिकीकरण के लिए ग्राहक सेवा कुशल बनाना। विदेश और निजी क्षेत्र के को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति। ब्याज बाजार दर का ब्याज द्वारा निर्धारण। सीआरआर को घटाकर 15 से 8% घट कर देना चाहिए। ब्याज दर की को बाजार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अब ये हमारी नरसिंहम समिति की सिफारिश क्या थी। नरसिंहम समिति की सिफारिश का आधार यह मूल धारणा था कि बैंक जनता से प्राप्त संसाधनों के ट्रस्टी थे। इनका प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि जमाकर्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इसमें सबसे पहले कानूनी तरलता या शाब्दिक तरलता को इस्तेमाल करने की विधि को आरबीआई को छोड़ देना चाहिए। साथ ही सीआरआर को मुद्रा एवं आधार नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। वित्तीय संसाधनों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। आईडीबीआई बैंक द्वारा पुनर्वित्त का काम अपने पास रखा जाए और प्रत्यक्ष ऋण देने का पृथक इकाई को सौंप देना चाहिए। वित्तीय संस्थानों को परिसंपत्तियों को नियमित वर्गीकरण करना चाहिए। ब्याज दरों को नियमन समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती समिति के सुझाव के अनुसार बैंक दर से संबंधित होना चाहिए। नरसिंह समिति को उपरोक्त सिफारिश के आधार पर मीडिया ने से बैंकिंग सुधार समिति कहा। नरसिंह द्वितीय समिति 1998 में गठित की गई। अपनी इस रिपोर्ट में देश में मजबूत एवं प्रभावी वित्तीय व्यवस्था को विकसित करने की परिसंपत्तियों गुणवत्ता में सुधार लाना, एनपीए में कमी करना, पूंजी पर्याप्त अनुपात वृद्धि करना, बैंकों की खराब परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण कोष की स्थापना, देश के बड़े बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाए, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाए, 2 लाख रुपए से कम ऋण पर ब्याज निर्धारण का अधिकार बैंकों को दिया जाए, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को समाप्त किया जाए, सुदृढ़ वाणिज्य बैंक को पारस्परिक विलय किया जाए। दामोदर समिति 27 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें कहा गया एटीएम और चेक बुक के लिए न्यूनतम शेष का बंधन समाप्त किया जाए, पासबुक एवं अन्य आवश्यक सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। न्यूनतम शेष से कम राशि होने की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला दंडात्मक शुल्क उतने ही अनुपात में रखने की समिति ने कब जितनी राशि से खाते में कम हुआ हो। बचत खाते में राशि की सीमा बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दी जाए। होम लोन या दूसरा कोई लोन समय से चुकाने पर कोई दंडात्मक शुल्क न वसूला किया जाए। दिन के अतिरिक्त लोन से संबंधित परिसंपत्ति कागज एनओसी के साथ ग्राहकों को लौटा दिया जाना चाहिए। बीमा क्षेत्र में जो सुधार किए गए, निजीकरण और विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करना, पूंजी बाजार को ऑनलाइन ट्रैकिंग करना, बदला प्रणाली की जगह रेलिंग सेटलमेंट लागू करना, कीमतों के निर्धारण में प्रशासनिक तंत्र के बजाय बाजार कारकों की भूमिका में
विस्तार करना। राज्य को सुधार जो थे वो चलैया समिति पर व्यस्त थे। कर ढांचे को सरलीकरण, कर दरों का युक्तिकरण, प्रत्यक्ष करों पर जोर देना, कर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय नियमन, व्यय प्रबंधन पर बल। ये अपना यहां तक ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। इसके कल जो रहेगा बैंकिंग के बारे में रहेगा, पूरा बैंकिंग पढ़ेंगे अपन, जो आपको कई एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसकी पीडीएफ ग्रुप के लिंक में आप सभी को मिल जाएगी।